हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सिंगर हैं, आपका भी गाना अच्छा गा लेते हैं, आपका भी गला सुरीला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे मिस मत कीजिएगा। आज का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप खुद से गाना बनाकर अच्छा से गाना गा लेते हैं और यूट्यूब पे आया कुछ कर दिखाने के लिए आपके अंदर कुछ टैलेंट है सिंगिंग का, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक अच्छा गाना गा सकते हैं तो उसको वायरल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप इस तरीके पे चलते हैं तो हो सकता है आपका आगे आने वाला समय बदल जाए और बहुत तेजी आप इस करियर में आगे बढ़ जाए। तो आपको अच्छा से गाना तैयार करना है, उसमें बढ़िया से लिरिक्स डालना है, और उसको वायरल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, जियो सावन वगैरह है, आईफोन ट्यून्स है, बहुत से ऐसे स्टोर है, gaana.com है, बहुत से ऐसे स्टोर है जहाँ पे आप देखते होंगे गाना हर रोज सुनते होंगे, गूगल का है, बहुत से स्टोर हैं जहाँ पे आप गाने सुनते भी हैं। अब वहाँ पे गाना डाला कैसे जाता है इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में एक साइट का लिंक दे रखा हूँ, अभी साइट पे चलूंगा, आपको वहाँ गाना डाल के भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको देख लेना है कि गाना डालना कैसे है, पूरा इस वीडियो में सीख लेना है, और फिर आप अच्छे अच्छे गाने बनाइए, अच्छे अच्छे गाने खुद का कंटेंट बनाइए, खुद अच्छा गाना गाइए, और भी अपने गले को सुरीला कीजिए, और उस पर आप साइट पर अपना गाना अपलोड कीजिए, जिससे बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आपका गाना ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब पे भी आपका गाना जाएगा, जियो सावन पे जाएगा, gaana.com पे जाएगा, आईफोन ट्यून्स पे जाएगा, बहुत जगह आपका गाना जाएगा, और वहाँ से जो डाउनलोडर्स आएंगे जो आपका गाना डाउनलोड करेंगे, और अगर आपका गाना बहुत ही बेहतरीन है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोडर्स मिलेंगे और उसी का पैसा वो आपको साइट्स देगी। तो बस फ्रेंड्स चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, वीडियो में बताइए कि कोई बात अच्छी लगी रही हो तो आप एक लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और हमारे द्वारा समझाने में कोई बात अच्छी लगती हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। तो फ्रेंड्स बस बने रहिए वीडियो में, मैं आपको पूरा ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका गाना चारों तरफ वायरल हो जाएगा और सभी स्टोर्स में ऑटोमेटिक आपका गाना अपलोड किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी ट्रिक दिखा रहा हूँ और आपको देख लेना है, तभी आप अपना गाना अपलोड कर पाएंगे सभी .com पे, gaana.com हो चाहे जियो सावन हो, सभी मतलब गाने के जितने भी स्टोर हैं सभी पे आपका गाना जाएगा, और आपका गाना वायरल हो गया तो समझ लीजिए आप पैसे उससे बहुत कमा सकते हैं। सबसे पहले गूगल खोल लेना है, गूगल खोलने के बाद में आपको यहाँ पर फ्रेश ट्यून लिखना है, तो इस साइट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको वहाँ से जाना है तो आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे गूगल पर सर्च कीजिए फ्रेश ट्यून्स, और यहाँ पे देखिए पहली साइट आ जाती है ऊपर https freshtunes.com, इसको आपको खोल लेना है। खोलने के बाद में फ्रेंड्स आपको देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड ये साइट का मैं किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये साइट बहुत ही सही है, उसमें काफ़ी लोग अपना गाना अपलोड करते हैं, और इसमें आपका जो गाना है, अगर आपका गाना अच्छा है, आपके गाने में दम है, तो आपका गाना वायरल होगा, आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड साइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर ऑप्शन देखिए देखिए है, यहाँ पर लिखा है अपलोड म्यूज़िक फॉर फ्री, और फिर आप इससे लिखा है कि 100% इनकम फॉर रॉयल्टीज़, और यहाँ 24 मॉडरेशन, तो मतलब आप यहाँ पे क्या कहते हैं गाना डालिए और आपको पैसा मिलेगा, आपका गाना अगर वायरल होता है तब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्टोर्स दिखे हुए हैं जहाँ पे आपका गाना डाला जाएगा, अगर आप इस साइट पे अपना गाना अपलोड करते हैं तो आपका एप्पल म्यूज़िक पे, स्पॉटिफाई, गूगल प्ले, आईट्यून्स, अमेजॉन म्यूज़िक, सेजम, इंडेक्स म्यूज़िक, डीजर, यूट्यूब, टाइडल, सावन, और बहुत सी यूट्यूब ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपका गाना जाएगा, यूट्यूब पर भी ऑटोमेटिक आपका गाना चला जाएगा, आपको चैनल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ये साइट आपको वहाँ से पैसे कमा कर देगी। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गेट मोर फ्रॉम आईट्यून्स, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं कि आपको गाना अपलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए ऊपर की तरफ यहाँ मोर पे आपको क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करते ही देखिए एक दूसरा इंटरफेस खुला, इस इंटरफेस खुलने के बाद में आपको यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर साइन इन हो जाइए, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिया गया है, आप गूगल या फेसबुक किसी एक से साइन इन हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं साइन इन हो जाता हूँ, तब तक मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरी तरीके से साइन अप हो चुका हूँ, अब ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो चैनल जिस आईडी से आप यहाँ पे साइन अप हुए हैं उसमें जो चैनल अगर आपको यूट्यूब का बना हुआ है तो वहाँ ऊपर नाम आपको दिख जाएगा टोटल टेकी, अब यहाँ पर देखिए आगे एल्बम्स लिखा हुआ है सबसे ऊपर की मैं हेडर की बात कर रहा हूँ, फिर आगे प्रमोशन लिखा है, स्टैटिक्स लिखा है, बैलेंस लिखा है, और फिर लॉगआउट लिखा है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे सब प्रकार की मतलब आप स्टैटिक्स भी देख सकते हैं कि आपका गाना कितना वायरल हुआ है, आपका गाना कितने लोगों ने देखा है। और देखिए यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें, देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका जो बैलेंस आएगा मतलब जो पैसे आएंगे यहाँ पे शो होगा, और लॉगआउट भी हो सकते हैं अगर आपका मर्जी हो। आप यहाँ पूरी एल्बम बना सकते हैं, अपने गाने का प्रमोशन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब गाना डालना कैसे मैं आपको बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गाने डालने का ऑप्शन कहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिला होगा, न्यू एल्बम लिखा है, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुला है। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना गाना अपलोड करने के लिए बीचों बीच में टच करना है ऐसे। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप गाना यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डायरेक्ट गाना भी आप गा के डाल सकते हैं, या फिर आपने गाना बनाया हुआ है तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चूज़ करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई गाना नहीं है, पर एक रेडमी की रिंगटोन पड़ी है, मैं उसको डालता हूँ फिलहाल। वैसे तो ये म्यूज़िक जो है कॉपीराइट है, तो ये आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको अपना ही गाना फ्रेंड्स डालना है, मैं फिर से बता दूँ, जब तक आप अपना गाना नहीं डालेंगे तब तक आपका यहाँ पे कुछ भी पैसा इनकम नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो गाना है वो आपका कंटेंट है, और अगर आप किसी दूसरे की कोई चीज़ डालेंगे तो यहाँ पर आपका अपलोड नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने ये रिंगटोन डाली हुई है रेडमी की, तो यहाँ पे अपलोड पे बटन पे टच करूँगा तो यहाँ पे अपलोडिंग फ्रेंड्स अभी तो स्टार्ट है, पर अभी देखिएगा आगे ये एरर बता देगा क्योंकि ये कॉपीराइट म्यूज़िक है। पर अगर आप अपना म्यूज़िक डालते हैं तो यहाँ बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए अपलोड कंप्लीट का ऑप्शन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा लोडिंग होगा, फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन फिलअप करने के लिए आ जाएगा, तो आपको वन बाय वन सब चीज़ फिलअप कर देनी होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ एल्बम नेम, तो यहाँ पे अगर एल्बम नेम में आपके गाने का क्या नाम है, आप एल्बम का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ ऐसे एग्जाम्पल पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम, तो आर्टिस्ट का नाम भी यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे जनरे तो यहाँ पे आपको देखिए सिलेक्ट करना होगा, तो आप ऐसे इस पर टिक कीजिए। अब आप ये गाना आपका किस प्रकार का हिप हॉप है, कौन सा है, तो आप डांस में क्या है, तो मैं हिप हॉप सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे अब आपको नीचे सबसे मेन ऑप्शन मिल जाता है प्राइस कैटेगरी, आपको यहाँ अपना प्राइस सिलेक्ट करना होगा कि आप कितना प्राइस रखना चाहते हैं इस गाने का। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अभी देखिए इसमें तीन प्राइस है, 0.69, 0.99 डॉलर एवं 1.29। तो वैसे तो आप लोग सोचेंगे 1.29 पे कर दूं जिससे ज़्यादा पैसे आए, पर मेरे हिसाब से आप सबसे पहले सबसे कम पे रखिए, क्योंकि आपका जो गाना है कम पैसे लगेंगे तो कंपनी आपका जल्दी गाना प्रमोट करेगी, और आपके जब गाना ज़्यादा वायरल होने लगेंगे तो आप पैसे की प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी गाने की, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए हिंदी का ऑप्शन मिल चुका है, आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक दो ऑप्शन और मिल जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको आर्टिस्ट नेम डाल देना है, और यहाँ पे फिर कंपोज़र का नाम डालना है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपने अपना गाना बनाया है तो आप अपने पूरी तरीके से जो जो आपको फिलअप करना है आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे भी मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स देख लेता हूँ, ये देखिए हिंदी मिल गई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आगे मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, कैंसल, सेव, कंप्लीट। तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं आपको जिस जिस स्टोर में अपना गाना अपलोड कराना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईट्यून्स स्टोर, एप्पल म्यूजिक, एकाजो, अमेजोन, तो बहुत सारे ऐसे स्टोर मिल जाते हैं जहाँ आपका गाना अपलोड किया जाएगा। आप अगर इन सब स्टोर पर अपना गाना डालना चाहते हैं तो यहाँ कंप्लीट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आप कंप्लीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने कुछ देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने एरर बता दिया है, आप इसको साफ साफ पढ़ सकते हैं, एल्बम हैज़ बीन सेव्ड बट सेव्ड टू हैव एरर्स। क्योंकि फ्रेंड मैंने जो इसमें रिंगटोन डाली थी रेडमी की थी वो, और वो मेरे खुद का म्यूजिक कंटेंट नहीं था, वो दूसरे का कंटेंट था। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी चीटिंग या थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना गाना डालना है, वो अच्छे कंटेंट में डालना है, क्वालिटी अच्छी रखनी है, और गाना जब तक आप ऑफिशियल तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक आपका गाना इस पर नहीं अपलोड किया जाएगा। ये नहीं कि आपने मोबाइल उठाया कुछ भी गा के अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसको पूरा एडिट कीजिए, जब अच्छी क्वालिटी मिलाएंगे, उतनी बीट्स डालेंगे, तभी आपका गाना यहाँ
अपलोड किया जाएगा। तो ये नोटिस है फ्रेंड, इसको आप ध्यान रखिए, आपका डायरेक्ट ऐसे म्यूजिक नहीं अपलोड किया जाएगा। इसके हिसाब से जितना ये बिट्स मांगता है, जितना आप इसमें यहाँ पे मतलब ये स्टोर जिस हिसाब से आपका गाना अपलोड कराना चाहता है, उस हिसाब से आपको क्वालिटी का गाना देना होगा। आप आलतू फालतू कोई भी चीज़ ऐसे यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। जब आप यहाँ अच्छी चीज़ डालेंगे तभी आपकी इनकम होगी। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, और आप इस साइट की मदद से बहुत ही जल्दी अपने सिंगिंग करियर को ग्रो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।